गूगल अपने साथ कांड नहीं करता, गूगल बोजो, कितनी कंफ्यूजन है के नाम पे बोजो, बोजो अपने नाम, सॉरी बोजो ये नाम, अब देख डे और मैंने अपने लिए आलू और मूंगफली बनाया है। मुझे नहीं मालूम मुझे आजकल आलू मूंगफली पूरा टाइम मुझे आलू मूंगफली बस आलू, मुझे पूरे दिन कोई आलू देता रहे मैं आलू खाती रहूँगी, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इतने आलू खाना। बट मैं ऐसे नहीं खा रही हूँ कि रेगुलर खा रही हूँ, मैंने उससे पहले ओट्स खाए थे बट मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आलू की, तो मैं जस्ट आलू जो है मैं इतने से तो जो आलू है मैं इतने से ऑयल में बहुत ही थोड़े से ऑयल में, पूरे ऑयल में नहीं, थोड़े से ऑयल में जीरा डालती हूँ और उसमें आलू फ्राई कर लेती हूँ और मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करती हूँ और दोनों को मिक्स करती हूँ और खा लेती हूँ। पता नहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो काला काली मिर्च और नमक वो डाल के और बहुत क्विकली बन भी जाता है, तो बना के रखा हुआ मैंने और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आज हम लोग जाने वाले हैं डिनर पर बहुत टाइम बाद, तो हम लोग बहुत दिनों से डिनर पर नहीं गए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग कभी करते नहीं है डिसाइड कि हम डिनर पे जाएंगे, बट आज हम लोगों को लगा यार डिनर पे चलना चाहिए क्योंकि कल हम लोग सदर साइड गए थे, यहाँ पे एक सदर बाज़ार एक एरिया है, तो वहाँ पे मैं नारियल पानी पी रही थी और वहाँ पे एक पूरा स्टॉल नहीं बहुत न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है लाइन से, तो हम लोग कल बहुत मन कर रहा था पर पेट भरा हुआ था फिर हम लोग नहीं गए और फिर हम लोग को लगा कि चलो वेडनेसडे चलते हैं क्योंकि आज ये चिकन भी खा लेंगे अगर इन्हें खाना होगा तो जैसा भी रहेगा, तो आज हम ऑफिशियली डिनर पे जाने वाले हैं जिसके लिए मैं तैयार होंगी पर अभी वैसे भी टाइम डिनर का नहीं हुआ, अभी 4 बज रहे हैं तो बहुत टाइम है डिनर में, मतलब 5-6 घंटे, इसलिए मुझे लगा मैं कुछ खा लेती हूँ, तो चलिए चलते हैं बेडरूम में, मैं एसी ऑन करूँगी वहाँ बैठ के खाऊँगी और फिर हम लोग होंगे तैयार डिनर के लिए। तो ये है मेरे आलू और मूंगफली। मुझसे राजा बोलते हैं क्या खाती हो तुम, आलू कौन खाता है फ्राई करके, ऐसे आलू या तो रोटी के साथ खाते हैं या पूरी के साथ खाते हैं या पराठे के साथ खाते हैं, तो मैं आलू फ्राई करके क्यों खाती हूँ, क्या हुआ है तुम्हें, तो हम बोलते पता नहीं मुझे किसी के साथ में मुझे आलू के साथ मूंगफली खाना पसंद है आजकल, बहुत टेस्टी है। तो जस्ट मैं एडिट करके आई हूँ वीडियो और जो गूगल है वो पागल हो रहा है और मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, क्योंकि मैंने तब खाया था, मैंने राजा को कॉल किया, मैंने बोला राजा नहीं जाना यार भूख नहीं लग रही है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो डिनर का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया। आया चलो बाहर घूम लो, बोझो उसे गूगल गया है बाहर घूमने, ये आया ये और ये रहा छोटा गूगल नहीं मतलब छोटा पग जो गूगल है। क्या अच्छी हो, तो आजकल क्या हुआ है गर्मी इतनी हो गई है ये खाना नहीं खा रहा है, उसके ऑपोजिट में इतना सारा खाना खा रही, तो गूगल जो है वो खाना नहीं खा रहा है और मैं जो है सबका खाना खा रही हूँ ऐसा लग रहा है फिलहाल, है ना। ये गूगल की हड्डी, ये इसका टॉय है खेलने के लिए, है ना, जाओ खेलो खाओ, नहीं अभी उसे घूमो चलो, तो आप काटे जाओगे, है ना, काट ही जाओगे, तुम तो मुझे काट ही नहीं सकते हो,
नहीं मुझे। गूगल हटो यार, खाद दे यार, हटो हटो। ये देखिए, इंसान आराम से बैठ नहीं सकता है। गूगल गूगल ही इज वेरी डेंजरस, ही इज वेरी डेंजरस। चलो भैया, तो मेरा सोफा गंदा करो। एक्चुअली मैं इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मैं बैठ नहीं सकती, मेरा सोफा खराब है। देखो कुछ निकला है ऐसा, तो चल लाद हो जाता है। तो राजा जो है वो अभी कभी भी आते होंगे, तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिनर प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। मेरा ट्राईपॉड कभी भी गिरा सकता है क्योंकि ये बहुत आक्रामक हो जाता है कई बार, और कई बार नहीं हमेशा ही रहता है। मैं भी इसे घुमा के लाई हूँ और इसकी हड़दंगे का वो नहीं होती, शांत नहीं होता है ये। तो आई थिंक मेरी डिवाइस गिराएगा, तो ये मेरी डिवाइस गिरा देता। तो अब इसकी हड़दंगे जो है वो कम नहीं होती। मैं राजा का वेट कर रही हूँ, बस वो आते ही होंगे और जल्दी से आए ना। गूगल मत करो भाई, क्या कर रहे हो तुम मेरे सोफे के साथ? जाओ पानी पी लो, नेल पेंट लगा दो तुम्हें। तो उसे पानी भी नहीं पीना है और हाफ पी रहा है वो। जाओ पानी पी लो। और मैं ढोंग लेने के चक्कर में पता नहीं कहाँ रह गए यार। और मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, और हमेशा ऐसा होता है जब मैं राजा का वेट करती हूँ तो वो लेट हो जाते हैं, और जब मैं वेट नहीं करती हूँ तो जल्दी आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपने हस्बैंड का वेट करते हो तो वो लेट हो जाते हैं, और जब आप वेट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि फिर जल्दी आ गए, है ना? तो पूरा सोफ़ा क्लीन करना पड़ेगा। गूगल अपने में मगन है, गूगल तो अपने में मगन है, वो अपने में मगन है, उसको कुछ नहीं पता, उसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो अपना खेलना है, उसे सब करना है, और उसे उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप सोफे पे बैठ गए तो आपको सोफे पे बैठने ही देगा वो। तो बस मैं का वेट कर रही हूँ और वो जल्दी से आ जाए, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है उन्हें। फाइनली राजा जी आ गए हैं। राजा राजा को क्या होता है, क्या होता है बता ना, तुम बोल रहे हो राजा को, राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। इस प्रजा ने धोखा दिया अभी गूगल ने, इनकी चप्पल का आ गया है गूगल। मेरी ये फ्लैट चप्पल थी जो मैंने गोवा में कितनी पहनी थी, उससे कितनी यादें ताजा थी, और कुछ लोग चाहते भी थे कि मैं चप्पल में दोबारा ना पहनूं। तो बोजो ने, गूगल ने दोबारा, मतलब गूगल ने शायद आप लोगों की मन की बात सुन ली और उसने मेरी चप्पल काट दी। पता है चप्पल कहाँ है? ये रही, ये चप्पल ऐसी बची है। तो इन्होंने मेरी चप्पल काट दी गूगल ने। तो गूगल ने मेरी चप्पल काट दी है और हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है। तो चलिए, ऑर्डर पे जिंदगी चल रही है आजकल। ये देखिए, ये आया। गिरा दो क्या आप अपनी दाल मखनी? मम्मा गिर रही है वो। तो मैंने अपने लिए मंगवाई है दाल मखनी। एक्चुअली मैं ना ढाबे पे जाके खाना पड़ता था यहाँ पे दाल मखनी, हम लोग जाते नहीं रेस्टोरेंट में बैठने, और मुझे मन हुआ एकदम से कि अरे यार दाल मखनी नहीं खाई बहुत टाइम से, तो मैंने दाल मखनी मंगवाई है। और नान, मैंने इनसे बोला था दो नान मंगवाना, और ये इतने बड़े वाले हैं। तुमने कितने नान ऑर्डर किए? इन्हें 5 नान ऑर्डर किए हैं, और पता नहीं सारे क्या कौन का है, वो मेरी अलग थाली मंगवाई, और पता नहीं कौन खाने वाला है। तो अपना मील बॉक्स ये देखिए कि कौन खाएगा। तो ये नान, और मेरे को लग रहा है दाल कम है, नान ऑलरेडी बहुत सारा है, और इनने अपने लिए चिकन थाली मंगवाई है। मेरे को मखनी दाल और नान खाना, थाली भी आती है। ये है मेरी दाल जो कि नान के हिसाब से बहुत कम लग रही है। वैसे 5 नान में राजा खाएंगे, 3 नान, 2 नान ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नान बहुत हैवी रहते हैं। आओ खाओ, इधर आ जाओ, मैं डांट दूँ। पता क्या होता है, मैं तो बोलती हूँ राजा थोड़ा ध्यान से, राजा चेन्नई को, हाँ राजा थोड़ा ध्यान से ऑर्डर किया करो। मैंने दिन दुनिया छोड़ दी है। कैसी गर्मी है? ये देखो तप रही है बुखार से। मेरे को बुखार नहीं। हाँ, सो ये ऑर्डर किया, और फिर मुझे एक जैसे ये बाहर आई, मैंने बोला ओ चप्पल काट दी। वैसे बहुत कांड करता है वो गूगल, बोजो अपने साथ कांड करता है, गूगल अपने, बोजो अपने खुद के साथ कांड करता है, गूगल दूसरों के साथ कांड करता है। बोजो गूगल अपने साथ कांड नहीं करता, गूगल बोजो, कितनी कन्फ्यूजन है किस नाम पे। बोजो अपने नाम
सॉरी बोजो ये ना अब देख तो बोजो जो है वो अपने आप को अपने साथ कांड करता है, जैसे कि अपना वो घिसना, अपने आप से खून निकालना और ये फालतू के काम। और गूगल जो है वो दूसरों के साथ कांड करता है, दूसरों की चप्पल काट लेना, दूसरों के जूते काट लेना, मेरी स्लीपर उसने दो काट के ऊपर से पूरी ऐसे निकाल दी, तो वो दूसरों के साथ कांड करता है। और जो बोजो है वो अपने साथ कांड करता है। देखिए बोली बोला ये देखिए ये आया है और आपको उसका गाल दिख रहा होगा, इसने खून निकाल के रखा हुआ है। तो मैं इसे बार बार साफ करती हूँ, बार बार बीटाडीन लगाती हूँ और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है वो। राजा खुद एक नकल जा रहा है। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैं कोन लगा दूँ, तो हमने मैच चलाया, तो हम लोगों ने कोन लगाया था इसे। ये बहुत ज़्यादा अपने पैर लिख करता था तो हमने इसे कोन लगाया था। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनईजी हो गया था, ना बैठ रहा था ना कुछ। एक जगह पे ये कम से कम 2-3 घंटे खड़ा रहा, कुछ नहीं किया इसने, सिर्फ खड़ा था ये, ना बैठ रहा था, कुछ नहीं कर रहा था वो कोन। तो हमने वो कोन निकाल दिया और वो जो कोन था जहाँ से खरीदा था उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि उनसे थोड़े कॉन्टेक्ट ऐसे हैं। क्योंकि वो कोन आई थिंक 400 अराउंड था, कोन थोड़ा महंगा आता है, फिर हम लोग को लगा यूज़ नहीं है और ये पहन भी नहीं रहा है। हार गई चेन्नई, कितने रन कितने कितने विकेट बॉल में 63 रन। अरे विकेट कितने बचे हैं? 5 हुए हैं। धोनी सो अब मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। खाना जो है एक्चुअली मैं जब ऑर्डर किया पता है एकदम से मेरे को समझ में नहीं आया था, हम लोग डिनर पे जाना था, हम लोग डिनर पे नहीं गए और फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। तो हम लोगों को एक और चीज़ पता चली कि हमें एक दावत खुला है वह बहुत अच्छा। तो फिलहाल मैं रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रही हूँ और सही में जोमेटो है ना, तो आई थिंक आप भूखे नहीं रह सकते हो। और स्विगी और जोमेटो है तो आप भूखे नहीं रह सकते आई थिंक। तो काफ़ी अच्छा है, तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाना है। तो मेरा जो है वो हेल्दी है, नान मैदे के हैं बस, मखनी दाल सीरियसली यम यम यम। मेरे पास राजमा थे पर मखनी दाल की दाल नहीं थी तो, और वो भीगती भी नहीं अभी जो बन पाती। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ जिससे इसको भूख लगी हो। ये अभी गर्म ही है, खुलेगी ये देखिए यम्मी। हाँ सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाने ये नहीं खाएंगे शायद, अभी ने भूख नहीं। तुम खाना खा रहे हो? चलो खाते हैं, भूख लगी। आ गया। हाँ। शेविंग बनवाने कब जाओगे? बना ली। शेविंग बनवाने कब जाओगे? संडे को। हाँ? क्यों संडे को? मेरे को थ्रेडिंग बनवानी थी। ले संडे को इंतजार करो आप, सुनिए हम लोग साथ में जाते हैं, पता है तुम? साथ में हम लोग हर जगह साथ में जाते हैं। हम साथ साथ हैं। तो चलिए बहुत भूख लगी है, खाना खा के आते हैं। पेट पूजा उसके बाद कोई काम। दूजा पता है आपको अभी क्या हो रहा है? अभी धूप नहीं हो रही है, अभी एक्चुअली में आग आ रही है। वैसे कर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछे मत। मुझे कपड़ों का काम करना था मैं कपड़ों का काम करने आई हूँ। कल हम लोगों ने मखनी दाल खाई, मतलब राजा ने चिकन थाली खाई थी, मैंने मखनी दाल खाई और मखनी दाल बहुत टेस्टी थी। ये थोड़ा सा मैसी है, मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मखनी दाल बहुत 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 टेस्टी थी और सीरियसली वो बच गई तो मैंने उसे रख लिया और मैं उसे आज खाऊंगी गर्म करके। बहुत टेस्टी थी इसलिए मैंने रख लिया और बच गई थी वो। अकेले के लिए इतनी सारी हो जाती है, वो नहीं खाएगी मुझसे। जो जो मखनी दाल का लवर है वो समझ सकता होगा कि कितनी अच्छी थी मखनी दाल। तो अभी मुझे कुछ कपड़े धोने थे, मेरे को लगा मैं बाहर आऊँ और बाहर आके मेरे को लगा कि जल जाओगे। सीरियसली जो बाहर जाके काम करते हैं या इस टाइम जो बाहर रहते हैं ना, हैट्स ऑफ। मैंने यहाँ ना सब कुछ ढका हुआ पर ऐसा लग रहा है जल जाऊँगी मैं, ये समझ आ रहा है। पता है उस दिन ना ये चादर मैंने कल लटकाई है, यहीं पर छिप गई थी चादर में। अब मेरे को चादर निकालते हुए डर लग रहा है, ये मैंने कल धोए थे और सूख गए। ये तो उतार लिया जाए, मेरी हाउस हेल्पर कभी भी आती होगी। पर मुझे डर लग रहा है छिपकली ना हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कोई मेरी हालत नहीं। मैं चलता तो नहीं बना रही। हाय कोई है? अगर कोई है तो चले जाओ, प्लीज मैं नहीं खाऊंगी तुम्हें।
मैं शिपकली को हाय कर रही हूँ। तो थैंक गॉड कि छिपकली जो है वो नहीं निकले। अब ये सब वॉश होगा, गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे काम करने जाती हूँ। तो ये वाला एरिया जो है पूरा दरवाजे से भरा हुआ है। जब मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो मुझे पता क्या लगता है, यहाँ दरवाजा यहाँ दरवाजा, यहाँ पे दो वैसे ही दरवाजे कि एक घर में जाने का, एक बाहर जाने का, वहाँ दरवाजा, यहाँ पे आगे मुझे एक दो तीन चार पाँच छः दरवाजे एक साथ दिखते हैं दरवाजों का घर। चलिए मैं कपड़े जो है वो सुन लेती हूँ। तो वहाँ पानी भर रहा है और वहाँ पे क्या होता है, मैं डायरेक्टली कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में ड्रायर में निखारती नहीं हूँ, मैं ऐसे से करके निखारती हूँ जो ज़्यादा स्पेशली आ रहे हैं कपड़े होते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो कपड़े हैं उनमें बाल बहुत होते हैं बोझ सारे। तो जब मैं डायरेक्ट वाटर से उससे करती हूँ ना, तो बाल जो है निकल जाते हैं, वरना ब्लैक है इतना सब कुछ वो हो जाता है। मैं चाय लेके आई हूँ और अभी मेरे को बेडरूम क्लीन करना है। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी हॉस्टल पर आ जाएगी तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो हाँ, तो जो बिस्तर है वो मैंने कर लिया, बोझों को देख लिया बस। अब क्या हुआ बोगो? बोझों से पता है, बोझों के यहाँ पूरे में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी, मैंने कल क्लीन किया है पर बच्चा जो है मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो ये ठीक, तो इसे दिक्कत हो रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसे वो लगवा दें एंटीबायोटिक। अब क्योंकि क्या होता है, दवाई लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं होने दे रहा दवाई को और वो निकल जा रही है। हाँ, तो दवाई जो है वो निकल जा रही है, मतलब ये टाइम नहीं दे रहा है ठीक होने का, है ना बाबू? क्या हो गया? दोबारा से नाखून मारता है, कुछ करता है, स्क्रैच कर देता है और फिर टोट जो है वो बली हो जाती है मेरी, ठीक ही नहीं हो रही है मेरी टोट तो। अब देखो मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है, बस मन हुआ तो शेयर कर दिया मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं है मेरी तबियत के बारे में बताने का। मेरी तबियत मैं खुद ठीक कर लूँगा, बिल्कुल खुद मैं खुद ठीक कर लेता हूँ। ये मेरी जान है, ये मेरा फेवरेट। हाँ बाबू जाओ। तो ये मेरी हाउस हेल्पर है, उसे एक साल होने वाला है काम करते करते, बट वो बोझों से इतना डरती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब वो आती है तो बोझों को यहाँ कर लो, बोझो मतलब हिल नहीं सकता। और पता है वो क्या करती है, वो बोझों को प्रवोक भी करती है। बोझो सो रहा है तो मैं बोलती हूँ बोझों को मत उठाओ, क्योंकि मैं कई बार काम कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ तो मैं मना करती हूँ कि बात मत करना, ये उठेगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो जान भर के बोझो सो रहा है तो वो उठ जाता है अपना नाम सुन के और फिर वो परेशान करता है, तो जानबूझ के भी उसे पोक करती है। और उसके बाद ऐसे डरती है वो खा जाएगा, बोलते वो नहीं खाएगा। पता है आपको यहाँ पे खिड़की लगवाने का एक फ़ायदा ये हुआ है, वो बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे खिड़की लगवाने का ये फ़ायदा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो ये खिड़की लगवाने का फ़ायदा हुआ है कि मैं एक्चुअली मैं लोगों को जाते हुए देख सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कूलर लगा हुआ था पहले, नीचे जस्ट तुलसी जी हैं और ये नीचे वाली हाउस हेल्पर है जो काम करती है। तो ये नीचे वाली हाउस हेल्पर है और ये पेड़ है,
जिसमें पतझड़ थे और उसमें वाइट वाले फूल आते हैं, यहाँ पे भी आना शुरू होंगे। तो आप देखिए जब मेरी खिड़की के सामने से इतनी अच्छे फूल जो हैं वो दिखेंगे आने वाले टाइम में। और यहाँ से मैं पूरा रोड देख सकती हूँ, गेट देख सकती हूँ कि गेट पे कोई आया नहीं आया। तो लिटरली मैं इतना सब कुछ देख सकती हूँ यहाँ से। तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि जैसे मैं दिन में बैठी हुई हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं गेट से देख लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, खिड़की यहाँ पे लगा दी है, मुझे पूरे व्यूज मिल जाते हैं, आते आते लोग मिल जाते हैं देखने के लिए। अब देखिए कल आपने जैसे इससे पहले देखा होगा गूगल का बिहेवियर, और ये देखिए बोलो बोलो कितना शांत है, आराम से बैठा रहेगा, सो जाएगा वो, मतलब बहुत सबसे बोलो सबसे अच्छा है ना बोलो, बहुत अच्छा है पता है आपको ये। और ऐसा नहीं है कि ये बचपन में कैसा था, बचपन में भी वो बोलो जैसा तो नहीं था, खेलता था ज़्यादा, थोड़ा एक्टिव था, पर ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही, कि अगर आप 2 घंटे भी खोल के रखोगे तो वो आपको खा जाएगा, ऐसा तो नहीं था। सो गाइस अभी हम लोग इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, मैं और बोजो आए, बोजो भी आया है, तो मैं और बोजो आज इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विथ अ न्यू वीडियो, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। बेबी बाय करोगी, बाय करो, देखो कौन है बोगो, मुंह तो ऊपर करो, कितना प्यारा है ना, यू सो क्यूट, लव यू ऑल। क्यों छुप रहे हो तुम, बेश शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है मुझे आज। हे तले 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 पापा।